टेस्ट क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा रहा है। भारत के पूर्व खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर से लेकर राहुल द्रविड़ तक टेस्ट क्रिकेट में काफी सफल बल्लेबाज रहे हैं। वहीं मौजूदा समय में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में नए मुकाम पर पहुंच रहे हैं। चलिए आज हम आपको टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं। सचिन तेंदुलकर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर का नाम टॉप पर है। सचिन ने 200 टेस्ट मैच में 329 पारियां खेली, जिसमें 53.78 की औसत से 15,921 रन बनाए हैं। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पूर्व बल्लेबाज और कप्तान रिकी पॉन्टिंग सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 168 टेस्ट मैच खेलकर 287 पारियों में 51.9 की औसत से 13,378 रन बनाए हैं। जैक स्कैलिस साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी जैक स्कैलिस ने 166 टेस्ट में 280 पारियों में 55.37 की औसत से 13,289 रन बनाए हैं। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया की दीवार के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ ने 164 टेस्ट मैच में 286 पारी खेलकर 52.3 की औसत से 13,288 रन बनाए हैं। एलिस्टर कुक इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने टेस्ट करियर में 161 मैच खेले, इसमें 291 पारियों में 45.34 की औसत से 12,472 रन बनाए हैं। कुमार संगकारा श्रीलंका के दिग्गज पूर्व बल्लेबाज कुमार संगकारा ने 134 टेस्ट मैच खेले, इसमें 233 पारियों में उन्होंने 57.4 की औसत से 12,400 रन बनाए हैं। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने कुल 131 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने 232 पारियों में 52.88 की औसत से 11,953 रन बनाए हैं। शिव नारायण चंद्रपोल वेस्ट इंडीज के शानदार बल्लेबाज शिव नारायण चंद्रपोल ने 164 टेस्ट मैच में 280 पारी खेलकर 11,867 रन बनाए हैं। महिला जयवर्धनी श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज महिला जयवर्धनी ने टेस्ट करियर में कुल 149 मैच खेले हैं, जिसमें 49.48 की औसत से कुल 11,814 रन बनाए हैं।